नमस्कार पेरेंट्स, मैं महेंद्र सिंह रोज, रिंगस के पास में मेरा गांव है किशनपुरा, और पिछले 9 साल से मैं सीएलसी में हूँ एज ए फिजिक्स फैकल्टी, और 9 साल का ही टोटल एक्सपीरियंस है। मैं नहीं एज नहीं ए नहीं नहीं पुरानी बात करते। तू बड़ा बिहार में, तू यहाँ बिहार में कब आ गया था? 2007 आपके सेशन जिस में। कैंपस में आप खड़े हो, ये जो कैंपस दिखाया है, यहाँ तो हमारा बियास दासनापुर का था। तब आप यहाँ 2007 में 9th में आ गए थे मेरे ख्याल से। मैं 10वीं क्लास में, मेरा छोटा भाई है महिपाल, वो तो महिपाल 9th क्लास में है। महिपाल भी मेरे फैकल्टी में, जूलॉजी में। ये महिपाल है जो 9th में इस कैंपस में आ गया था, आप 10th में आ गए थे। ये है दोस्तों रिश्ते, मतलब 7 से आप कितने साल हो गए, 18 18 साल के रिश्ते हैं। दोनों भाई आज बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पेरेंट्स और जो मैच्योर थोड़े से स्टूडेंट 1 साल 2 साल तैयारी कर लेते हैं तो उनको ओपन रिपीटर बोलते हैं, उनको एक ही चीज कहूंगा कि 6 घंटे क्लास से रिजल्ट सिर्फ तैयार नहीं होगा, ये कंफर्म है। आपको 3 शेड्यूल के अंदर डेली कैंप ज्वाइन करना चाहिए। डेली कैंप का शेड्यूल जो रहता है, मॉर्निंग में 7 to 12 और आफ्टरनून में 3 to 7 और नाइट कैंप जो होता है वो 8 to 12। इससे क्या होता है, आपको कैंप फॉलो करेंगे ना तो एक एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें आपकी सिटिंग जो है सेल्फ स्टडी के लिए वो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स एवरेज थ्रू आउट सेशन के लिए मिल जाएगी। और सिर्फ क्लासरूम से रिजल्ट आए तो मैं तो ये मानता हूँ कि क्लासरूम का वेटेज जो है वो 30 to 20% ही होता है। उसके बाद में तो बच्चे को खुद को तैयार करना है। अगर बच्चा खुद सेल्फ स्टडी सेटिंग 7 to 8 आवर नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब उसका रिजल्ट तैयार नहीं होगा। और यहाँ पे एवरेज बच्चे को इसी सिस्टम को फॉलो करके इवनिंग टाइम में हमारे यहाँ पे असेंबली होती है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट रहा तो उस चीज़ को मैं फील करके स्टूडेंट को ये बात कह रहा हूँ कि दिन भर हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, शाम को हो सकता है हमारे नंबर कम आ जाएं, कई बार हो सकता है हमारे को किसी टीचर ने डांट दिया हो, या हो सकता है कुछ और वजह से हम थोड़े डिप्रेस्ड हैं या थोड़े परेशान हैं, तो इवनिंग में असेंबली में आएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कुछ लोग इसको नेगेटिव भी लेते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़नी है, नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा है। एक एटमोसफेयर जो पॉजिटिव वाइब जिससे मिलती हैं वो है, जिसको मेडिटेशन आप कह सकते हैं। मेडिटेशन के लिए गवर्नमेंट भी प्रेशराइज कर रही है कि स्ट्रेस डिप्रेशन ये सारे नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, तो इस चीज को हम आसपास ही नहीं आने देते। और ये तो अब आइडियाज इम्प्लीमेंट करने के लिए बात कर रहे हैं, मैं तो इसको पिछले 17 18 साल पहले से देख रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट जो है जहाँ आप हैं उससे बेटर स्टेज पे जाएंगे। हो सकता है आप 90% पे हैं, आप जहां भी हैं वहां से आगे जाएंगे, ये कंफर्म है, ये मेरा प्रॉमिस है। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे एक भी बात कहूंगा, या तो आप उसको बच्चे को हमारे पास स्टूडेंट को हॉस्टल में छोड़ें, या फिर अपना फैमिली मेंबर जो है वो स्टूडेंट के साथ यहाँ पे सीख कर रहे हैं। उससे क्या है कि 18 आवर्स जो रिमेनिंग होते हैं 24 आवर्स में, उसको एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो प्लान करे डेली और उसको इम्प्लीमेंट भी करे। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा खुद भी इतना केयर वो नहीं कर पाता है, डाइवर्ट भी हो जाता है। हमारे हॉस्टल में है, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे हर एक हॉस्टल में सेपरेट वार्डन जो 24 आवर्स बच्चे के लिए रहता है, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए सारी फैसले। और सेल्फ स्टडी के लिए तो फिर उसको हॉस्टल में कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हमारा कैंप है, कैंप में आओ। और कैंप के अंदर हम, कुछ लोग कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ओपन प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, ऑनलाइन चेक करो, रात को 12 बजे कैंप छूटता है। अब वो एक दिन का कोई रिकॉर्डिंग करके तो हम दिखा रहे नहीं है, डेली लाइव पे दिखाया जाता है। और उसमें आप देखोगे डिसिप्लिन, एक साइड से बहुत डिसिप्लिन मैनर में गर्ल्स जा रही है, एक साइड से बॉयज आ रहे हैं, 2 से 3 हजार बच्चे, 2 से 3 हजार बच्चे इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं सकते कि हम टॉपर पे काम कर रहे हैं। टॉपर 2 हजार 3 हजार नहीं हो सकते, 2 हजार 3 हजार में से टॉपर बनाया, इसका मतलब एवरेज बच्चे पे काम हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा पेरेंट्स को कि आप भी, बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको सिर्फ इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ने के बजाय उसको आप 24 आवर्स के लिए जोड़ें। तो उसके लिए पहली चॉइस हो सकता है पेरेंट्स के साथ कोई भी फैमिली मेंबर आए, कोई भी, और या फिर हॉस्टल में जोड़ें। थैंक यू।